हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एम एस सी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। और इस बार हम बात करने वाले हैं IITJM 2021 के लिए आपको प्रेफरेंस क्या भरनी है, कौन सी टॉप IIT है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप MSc या फिर MSc इंटीग्रेटेड MSc PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए हम देख लेते हैं टॉप IIT की लिस्ट। उसके बाद में जो सेकेंड वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा टॉप NITs कौन सी है जहाँ पर आप अच्छे से MSc कर पाओगे, और कौन सी टॉप NIT है जहाँ पर प्लेसमेंट भी स्टूडेंट का होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्रेफरेंस, अब हम बात करने वाले हैं टॉप MSc के लिए, और उसके अंदर हमारे पास दो ब्रांच रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसको सिर्फ सिंपल MSc करनी है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटीग्रेटेड MSc PhD करना चाहते हैं, या फिर जॉइंट MSc PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि MSc और MTech करना चाहते हैं। तो उनके लिए जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप अगर इंटीग्रेटेड MSc PhD करना चाहते हैं तो आपको IISc बेंगलोर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी रैंक 1 से 10 के बीच में है तो आप ज़रूर IISc बेंगलोर आप अप्लाई करें। 100 रैंक तक स्टूडेंट के पास कॉल आता है IISc बेंगलोर के लिए अप्लाई आप करते हो तब। उसके बाद में IISc बेंगलोर के बाद दो नंबर पर प्रेफरेंस आपको जो भरनी है वो आपको डालनी है IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली दोनों ही इक्वल है। अगर आप दिल्ली साइड से आप बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली को प्रेफरेंस भरिए, और अगर आपको बॉम्बे जाने की इच्छा है तो आप बॉम्बे को प्रेफरेंस भर सकते हैं। अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको ये दोनों प्रेफरेंस भरनी है। अगर आप IIT बॉम्बे में सिंपल अगर आप MSc करना चाहते हो तो आप IIT बॉम्बे को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप सिंपल MSc ना करके अगर आप ऐसे सोच रहे हैं मुझे इंटीग्रेटेड MSc PhD करना है तो आप IIT खड़गपुर में भी प्रेफरेंस पहले आप डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको सिंपल MSc करना है 2 ईयर MSc तो आप IIT बॉम्बे आप फिल करोगे। अगर आपको MSc PhD ड्यूल डिग्री में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑपरेशन रिसर्च में आप एडमिशन ले सकते हो वहाँ पर। और बात करेंगे उसके बाद में IIT बॉम्बे की हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली के अंदर अगर आपको सिर्फ सिंपल MSc करनी है, 2 साल MSc करने के बाद ही आपको अगर आप PhD और कहीं से करना चाहते हैं तो आपके लिए IIT दिल्ली भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसको करने के बाद आपको नेट का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, या फिर टीफर का एग्ज़ाम, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देना होता है, और उसका इंटरव्यू बेस पे आपको और कहीं PhD में आपको एडमिशन मिलता है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर आप डालोगे वो रहेगा आपके लिए IIT मद्रास, IIT मद्रास, या फिर आप डाल सकते हो IIT कानपुर। ओके, बात करेंगे IIT कानपुर के लिए। IIT कानपुर में MSc अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो सिंपल MSc है, 2 ईयर MSc आप जिसको बोल सकते हैं, और अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो MSc PhD ड्यूल डिग्री है वहाँ पर, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्पेशली आज बात करूँगा मैथमेटिक्स के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए अलग लेक्चर के अंदर। तो ये रही बात IIT कानपुर के लिए, सिंपल MSc है मैथमेटिक्स के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप फोर्थ नंबर पे जो प्रेफरेंस डालेंगे वो डालेंगे IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जैसे ही आप प्रेफरेंस डालते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन आता है जॉइंट MSc PhD करने का। सभी स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है IIT खड़गपुर से लेकर, कि अगर हमारा काफ़ी स्टूडेंट का सभी का जब कॉल आता है तो एक ही डाउट रहता है कि क्या हम 2 साल MSc कंप्लीट होने के बाद छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप 2 साल MSc करने के बाद छोड़ सकते हो। अगर आपका मन है इंटीग्रेटेड MSc PhD करने का, अगर आपकी CGPA 8.5 प्लस बन रही है तो आपको इनरोल करना होता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जैसे ही आप इनरोल करते हो तो टॉप 6 स्टूडेंट जो हैं उनको IIT खड़गपुर में MSc PhD करने के लिए, MSc इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए लिया जाता है। अगर आप टॉप 6 में नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अदर टॉप यूनिवर्सिटी में या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद में टॉप 8 या टॉप 10 स्टूडेंट तक भी वहाँ लिया जा सकता है, लेकिन लेंगे 6 स्टूडेंट को ही। मान लीजिए टॉप के 2 स्टूडेंट हैं, उनका और कहीं सिलेक्शन हो चुका है और किसी अच्छी उसको यूनिवर्सिटी मिल चुकी है जहाँ पर वो PhD करना चाहता है, तो मान के चलिए 8 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट तक भी ले सकते हैं, ठीक है। और बात करूँगा स्टाइफंड के लिए, और किसी यूनिवर्सिटी का या और किसी IIT का मुझे पता नहीं स्टाइफंड कितना मिलता है,
लेकिन अगर आईआईटी खड़गपुर से आप एमएससी करते हो सिंपल एमएससी, जब तो आपको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, और अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में जैसे ही आप इनरोल होते हो तो आपको 6000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड मिलता रहेगा, ओके। और जैसे ही आपका पीएचडी कन्वर्ट होता है तो 31,000 जो है वो आपको वहाँ से मिलेगा। उसके अलावा बात करेंगे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास क्या है कि सिंपल आपको अगर एमएससी करनी है 2 ईयर की तो आप आईआईटी मद्रास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद बात करेंगे ये, उसके बाद आता है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर आपको अगर सिंपल एमएससी करना है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर तो आप गुवाहाटी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्यूटिंग पसंद नहीं है और आपका प्लेसमेंट आपको नहीं लेना तो आईआईटी गुवाहाटी आप कभी भी अप्लाई मत करें। वो स्टूडेंट की चॉइस रहती है कि अगर उनको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से कर सकते हो, और प्लेसमेंट के लिए स्पेशली अगर जाना चाहते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी बेस्ट है। उसके बाद बात करूँगा प्रेफरेंस में, जो उसके बाद डालना है आपको प्रेफरेंस आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के अंदर भी यही है, 2 ईयर का एमएससी प्लान है वहाँ पर भी, तो वो भी अच्छी आईआईटी मानी जाती है। उसके अलावा और जितनी भी आईआईटी है वो आप कहीं भी आप अप्लाई करें, सब सही है। उसके बाद में तो ये प्रेफरेंस डालने के बाद स्टूडेंट आप आईआईटी हैदराबाद भी आप डाल सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद में क्या है कि 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है आईआईटी हैदराबाद के अंदर भी, ये भी सही रहेगा आपके लिए। और उसके बाद में आपको प्रेफरेंस डालनी है। उसके बाद देखो स्टार्टिंग की जो 8 या 10 आईआईटी है जिनका बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा नाम है, वहाँ पर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जितनी भी आईआईटी है सारी आईआईटी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि बात करूँ, अगर आपको स्पेशली आप ऐसे सोच रहे हैं मुझे पीएचडी करनी है, तो देखो आपको अगर पीएचडी करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप ऐसी आईआईटी में जाए जहाँ पर पहले से इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली वहाँ पर। और कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो इंटीग्रेटेड वो पीएचडी तो करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने जैसे आईआईटी बॉम्बे भर दिया या आईआईटी दिल्ली भर दिया है ना, तो वहाँ से भरने के बाद उनके पास ऑप्शन एक ही रहता है कि 2 साल की एमएससी डिग्री करने के बाद उनको घर पर आना ही पड़ेगा, या फिर नेट गेट देने के बाद उनको और कहीं एडमिशन उनका होगा, उससे पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशली बात करूँगा आईआईटी खड़गपुर की, आईआईटी भुवनेश्वर की, और आईआईटी जैसे इंदौर है, आईआईटी इंदौर भी एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो स्कोर देखता है सीएसआई नेट का, यूजीसी का, गेट का, और उसके बेस पर उनकी एक एग्जामिनेशन होती है, और एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि किन किन स्टूडेंट का एडमिशन जो वो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो स्पेशली अगर स्टूडेंट पीएचडी करने का इंटरेस्टेड है तो उनको स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि उनको एडमिशन ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पर ऑलरेडी जहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी है या जॉइंट एमएससी पीएचडी है। और बात करूँगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के अंदर डाटा साइंस के अंदर एमएससी प्लस एमटेक का ड्यूल डिग्री कोर्स आपको मिलता है, तो आप वो भी सही रहेगा आपके लिए। लेकिन उसके अलावा मैं बात करूँ कि आईआईटी जोधपुर का जो ये कोर्स है इससे बेटर कोर्स तो आईआईटी खड़गपुर में सीएसडीपी ब्रांच का है, कंप्यूटर साइंस डाटा प्रोग्रामिंग, जिसका प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज 20 लाख रुपए रहता है। और एमएससी एमटेक अगर आप यहाँ से करते हैं आईआईटी जोधपुर से तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट श्योरिटी है कि आप एमएससी आईआईटी खड़गपुर से करें, उसके बाद आप गेट का एग्जाम दें, गेट के एग्जाम में अच्छी रैंक आने पर आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा, और एडमिशन मिलते हैं आपका 100% वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी सीएसडीपी डाटा प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके अलावा देखो उसके अलावा आप आईआईटी मंडी भी अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी मंडी के अंदर क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप अगर इंटरेस्टेड हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पसंद है तो आप यहाँ जा सकते हैं। आईआईटी रुड़की में भी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट का काफ़ी ये डाउट रहता है कि हम कौन सी में जाएँ, या तो हमें प्योर मैथमेटिक्स लेनी है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करनी है। स्टूडेंट सभी जगह कोर्स लेवल लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आता, कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट आप इलेक्टिव जो चूज करते हैं वो कहीं पर आप अलग अलग ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहती है। मैंने काफ़ी वीडियो अपने बना रखे हैं
जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको आईआईटी में रहते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप मेरी उन वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा देखो प्रेफरेंस में आईआईटी जो वाराणसी है, इसका प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है लास्ट ईयर का, मेरी बात हुई थी स्टूडेंट से। तो आप देखो लास्ट के अंदर आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, जैसे तिरुपति हो गया, वाराणसी आईआईटी बीएचयू हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग जो टॉप आईआईटी है 10 आईआईटी, उसके अंदर आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आगे भविष्य में इन फ्यूचर आपको कहीं भी अगर टीचर बनना पड़े तो आपकी अगर टॉप आईआईटी होती है तो मतलब आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे फ्यूचर को अपने। और देखो फिर आप उसके बाद में आईआईटी पटना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी पटना भी आपको 10 या 11 नंबर पे प्रेफरेंस डालनी है, जो कि 2 ईयर सिंपल एमएससी है यहाँ पर भी। उसके अलावा आप पलक्कड़ में भी डाल सकते हैं, क्योंकि नई आईआईटी है तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला यहाँ पर। और मैंने आईआईटी जोधपुर के लिए आपको बता दिया है, लास्ट में आप प्रेफरेंस डालिए। और आईआईटी इंदौर का मैंने आपको भी बताया कि सीएसआईआर नेट या गेट होगा तो उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तब आपको कोई एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद सही है, गुवाहाटी बेस्ट है, गांधीनगर। देखो स्टूडेंट अगर आपको प्रेफरेंस पढ़नी है 8 या 9 के बाद तो आपको क्या करना है, आईआईटी गांधीनगर इक्वल डालना है, और आईआईटी गांधीनगर के साथ आपको आईआईटी इंदौर भी इक्वल में डालना है। और उसके अलावा आप आईआईटी मंडी एंड आईआईटी रोपड़, ये आप साथ में डाल सकते हो प्रेफरेंस के लिए। देखो इनमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसा रहता है स्टूडेंट का कि मुझे ये आईआईटी मिल जाए, मुझे वो आईआईटी मिल जाए, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको 8 या 10 आईआईटी बताई है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद में सारी आईआईटीज इक्वल हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करें, और जिस चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं मैं आगे किस चीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएं, ताकि आपको स्टूडेंट को हेल्प मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।